हेलो, मैं इसके पहले आपको ऑफलाइन क्लास में कल मैंने बताया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बाय स्टेट में मूड के बारे में। इसके पहले मैं मीन बता चुका हूं, मीन के तीनों टाइप्स, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। दूसरा आपका मीडियन था, उसके बारे में मैंने कल आपको बता दिया। मूड के बारे में भी मैंने आपको कल डेफिनेशन बता दिया। और मूड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, यूनिमोडल भी हो सकता है, बाई मोडल भी हो सकता है, मल्टी मोडल भी हो सकता है। अब आपको हम एक प्रॉब्लम देते हैं और उस प्रॉब्लम के बेस पर आपको मॉडल वैल्यू कैलकुलेट कराते हैं। और सिंपल सी बात है, जो मोड होता है, जो यूनी मॉडल होता है जिसमें एक ही मोड होता है, जो आइटम, जो वेरिएबल सबसे अधिक बार रिपीट होता है वही मॉडल वैल्यू होती है। तो यूनी मॉडल के केस में तो बड़ा आसान है कि आप सिंपली इंस्पेक्शन के द्वारा निरीक्षण करके बता सकते हैं कि किसका मोड इस डाटा का क्या होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब किसी में एक से अधिक मोड आते हैं, मीन्स बाई मॉडल या मल्टी मॉडल, तो वहां पर आपको ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने आपको बताया यूनिमोडल केस में नो प्रॉब्लम, इट इज वेरी इजी एंड यू कैन डिटरमाइन इजिली बाय इंस्पेक्शन विच हैज द हाईएस्ट नंबर विच आर रिपीटेड। बट व्हेन द बाई मॉडल और मल्टी मॉडल केस है, देन यू प्रिपेयर टू टाइप्स ऑफ टेबल, ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल, देन यू डिसाइड विच इज द मोड, एक्चुअल मोड वैल्यू। तो यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से बहुत जनरल पूछा जाता है, मेरिट डिमेरिट पूछा जाता है, व्हाट इज मीन मीडियन एंड मोड क्या है, इसलिए बहुत झमेले में आपको नहीं ले चलेंगे। सिंपली एक आप क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसलिए हम यूनिमोडल के केस आपको बता देते हैं। कल डेफिनेशन हो गया था यूनिमोडल, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल मैंने आपको नोट करा दिया था। अब आप लोग एक जो है क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उस क्वेश्चन से आपको कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम नोट करिए, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम फॉलोइंग गिवन डाटा, फॉलोइंग गिवन डाटा। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, 20, 25,
सिक्सटीन सिक्सटीन एटीन एंड एटीन एंड ट्वेंटी एट, ये आपको प्रॉब्लम दिया रहेगा। ये प्रॉब्लम आपको दे दिया गया, अब आपको इस डाटा से मॉडल वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो आप लोग हेडिंग दे देंगे क्या, बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स थोड़ी डिफरेंट होती है, इसमें आपको लिखना पड़ता है। आप क्या हेडिंग देंगे, सलूशन। क्या हेडिंग दे देंगे, सलूशन। सलूशन हेडिंग दे दिया आपने। अब हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। कैसे रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए नोट कर लीजिए, वी मेक फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम गिवन डाटा एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स नोट करेंगे। वेरिएबल्स क्या होता है, एक्स, इसके बाद फ्रीक्वेंसी। क्या नोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में क्या, एफ। ये नोट कर लिया आपने। अब देखिए आप, सबसे लोएस्ट नंबर कौन है यहां पर, 10। क्या है, 10। अब देखिए 10 कितनी बार आया है, एक बार दिखाई पड़ रहा है। फ्रीक्वेंसी कितनी इसकी है, 1। बोलिए, इसके बाद 10 के बाद क्या, 11 तो है नहीं, 12 है ना। 12 कितनी बार है भाई, देख लीजिए, एक जो है वो भी एक ही बार है। कितनी बार है, 1 टाइम है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। 12 के बाद कौन सी संख्या आ रही है, 12 के बाद 15 आ रही है ना, 15। अब क्योंकि आप सारे को असेंडिंग सीक्वेंस में रख रहे हैं, तो 12 के बाद 15 है, 15 देखिए कितनी बार आ रहा है, एक बार ये हो गया, 2 बार हो गया, 2 ही बार तो है, बोलिए भाई, 2 बार ही होगा, 2 ही बार हुआ ना। चलिए फिर कौन सा नंबर आएगा, 16 आएगा। 16 देख रहे हैं कितनी बार आया, 1, 2 और 3। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर 16 के बाद नंबर आ रहा है, हमको लगता है 18 है। 18 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स आ गए, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। 18 के बाद जो है 20 है, 20 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 2 टाइम आ रहा है, 9 बार हो गया। इसके बाद 20 के बाद 22 है ना, चलिए 22 देख ले कितनी बार है, 1 टाइम्स, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। फिर इसके बाद 24 है, 24 देख लीजिए कितनी बार है, 24 1 टाइम,
बोले 24 के बाद क्या है 25 है, 25 देख लीजिए कितनी बार है, ये भी वन टाइम। और 25 के बाद 28 है लास्ट में, बोलिए 28 कितनी टाइम्स है, 1, 2 टाइम्स। बोले भाई कितनी बार है, 2 टाइम्स। अब आप लोग देख रहे हैं एसेंडिंग ऑर्डर में नहीं कर दिया, किसमें एसेंडिंग ऑर्डर में, और इसके बाद क्या हुआ उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी में नोट कर दिया। और आप चाहे तो क्लियर हो जाए कुल कितने हैं वेरिएबल्स, देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो कोई छूटा तो नहीं। इसका मतलब क्या है आपको पता कैसे लगेगा, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 4, ये हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गए। इसका मतलब कोई वेरिएबल छूट है नहीं रहा। अब देख रहे हैं सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है जो सबसे अधिक बार आया, वो कौन आ गया 18, चार बार आया, कौन है चार बार आया। बोलिए इसका मतलब इससे डाटा का मॉडल वैल्यू क्या होगा, 18 होगा, क्या होगा 18 होगा। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट कर लेंगे इसको आप लोग, नीचे वाइस नोट करेंगे। मैथमेटिक्स में होते तो ऐसे लिख देते हैं मोड इक्वल टू 18, लेकिन अब आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, नीचे वाइस नोट करेंगे। फ्रॉम एबव डाटा इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ 18 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फोर एंड हेंस mode will be 18 फुल स्टॉप। इस तरह से प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये यूनी मॉडल के केस में नहीं आपको होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब जो है केस बाई मॉडल आ जाता है, बाई मॉडल या मल्टी मॉडल आ जाता है, तब बड़ी समस्या आ जाती है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है कि ये मान लीजिए 3 भी चार बार आ गया और 20 भी चार बार आ गया, या मान लीजिए 16 भी चार बार आ गया, तो ये बाई मॉडल वैल्यू हो जाएगा। तब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि मॉडल वैल्यू क्या होगा, कि 18 होगा कि 16। उसके लिए आपको दो प्रकार के टेबल बनाने पड़ते हैं, दो प्रकार के टेबल, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाना पड़ता है, जिसमें कई जो कॉलम बनते हैं। तो क्वेश्चन इससे इस तरह से पूछा नहीं गया कभी, इसलिए बहुत झमेले पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो आप लोग नीचे लाइन से केवल नोट करके नोट करें, नोट लिखे इन केस ऑफ बाइमोडल एंड मल्टीमोडल कम द कैलकुलेशन ऑफ मोड
the completion of mode require grouping table GRO UPI and grouping table and analysis table full stop heading लेंगे आप लोग merit of mode हेडिंग ने दिया आप लोगों ने। अब आप जानते हैं यूनिमॉडल क्विज में बहुत सिंपल है, सिंपली आप इसको फ्रीक्वेंसी को नोट करके डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज सिंपल and can be calculated only by inspection method INSPECTION inspection method in case of unimodal full stop. Second point, it is easy to understand इसको समझना बहुत आसान है। नेक्स्ट पॉइंट, it can be represented by graph ग्राफ के द्वारा भी रिप्रिंट कर सकते हैं। फुल स्टॉप। आप लोग हेडिंग देंगे अब डीमेरिट्स ऑफ मोड। अब आपको नहीं पता अगर कौन सी केस हो गई, अगर केस हो गई बाई मॉडल या मल्टी मॉडल, तब आपको ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल की आवश्यकता पड़ जाएगी, इसलिए टफ होगा। फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट इन कैलकुलेशन ऑफ बाई मॉडल एंड मल्टी मॉडल केसेज बिकॉज इट रिक्वायर ग्रुपिंग टेबल
एंड एनालिसिस टेबल फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम्स मोड इज इनडेफिनिट. समटाइम्स मोड इज इनडेफिनिट. कभी कभी मोड क्या होता है, अनिश्चित आ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रेयरली यूज्ड है फॉर हायर लाइफ साइंस रिसर्च. फुल स्टॉप. तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन और मोड के बारे में मैंने आपको बता दिया, मेरिट और डिमेरिट के बारे में. अब आप लोग सेकंड हेडिंग देंगे, मेजर्स ऑफ दिस पर्सन. मेजर्स ऑफ दिस पर्सन, मेजर्स ऑफ दिस पर्सन. पहली बात तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. मेजरमेंट मींस क्या होता है? मापन. दिस पर्सन मींस क्या होता है? स्कैटरिंग, बिखराव. जैसे आप जानते हैं, और बिखराव कहां होगा? बिखराव की स्थिति होती है कि जैसे मीन वैल्यू है, उस मीन वैल्यू में जो वेरिएबल्स हैं उसमें काफी वेरिएशंस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 5, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बार है, समझ रहे? या मान लीजिए 4 बार ही है, समझ रहे? और ये वेरिएबल 4 बार है, इसका आपको मीन निकालना है तो कितना हो जाएगा आपको मालूम है ना? समेशन एक्स अपान एन होगा. अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप पहले समझ लीजिए. अब क्या होगा, 1, 2, 3, 4, ये 20 हो गया. बोले यार 5, 5, 5 हो गया ना, 20. और कितनी संख्या है 4 बार ना, ये हो गया 5. अब आपका जो मीन आया वो क्या आया, 5 आया. और आप देख रहे हैं इस संख्या के इधर उधर कोई और दूसरी संख्या नहीं है, कोई दूसरी संख्या नहीं है. लेकिन अभी हम क्या करते हैं, मान लीजिए 2 ले ले, 5 ले ले, 7 हो गया. इसके बाद 7 ले लिया मैंने, 1, 2, 3, तो ये हो गया 5, 2, 7, 7, 14. और फिर मैंने 6 ले लिया. तो अब बोलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर अब आप लोग देख रहे हैं इसका मीन निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, यही फार्मूला होगा. तो आप समेशन यस क्या होगा, 2, 5, 7, 7, 14 और 14, 6, 20. 20 और कितने बार वेरिएबल्स है, एन 4 है, तो यहां भी कितना आ गया, 5 आ गया. लेकिन जरा देखिए आप, यहां पर जो मीन 5 आया उसमें सारे वेरिएबल्स 5 ही है, कोई संख्या इधर उधर नहीं.
इसका मतलब यहां पर कोई भी डिस्पर्शन नहीं है, कोई भी बिखराव नहीं है नंबर में, वेरिएबल्स में। और यहां पर देख रहे हैं मीन यहां भी 5 आया, लेकिन एक संख्या 2 है, दूसरी संख्या 5 है, तीसरी 7 है, चौथी 6। तो क्या हुआ यहां पर? बिखराव है ना, स्कैटरिंग है ना, इसी का हम बोलते हैं बेटा डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। और इसका मापन कई तरीके से करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, क्वार्टर डेविएशन। लेकिन आपके कोर्स में केवल 2 है, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा वेरिएंस। तो आपके टॉपिक क्या है ये समझ में आ गया होगा। इसमें स्पेलिंग जरा आप लोग सही कर लेंगे। मीजर, मीजर्स में कर दिया तो आपने कोई गलत नहीं था। यह है, अगर आपने मीजर्स में लिखा था तो सही था। मीजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो आपको ने बताया कि ये मीजर्स ऑफ डिस्पर्शन मीन्स जो मीन वैल्यू होती है अरिथमेटिक मीन, उसके वैल्यू जो है और वेरिएबल्स कहां कितने इधर उधर है, उसी को हम मेजरमेंट यहां पर करते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको बता दिया ये 4 वैल्यू है, इसका मीन 5 आया, ये भी 4 वैल्यू है, इसका भी मीन 5 आया, लेकिन ये सारी वैल्यू 5 है, यहां पर कोई डिस्पर्शन नहीं है। लेकिन यहां पर देख रहे 5 है तो दूसरा 2 है, दूसरा 7 है, चौथा 6 है, तो ये क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, बिखराव। तो चलिए आपने हेडिंग दे दिया मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, पेज में नोट कर लीजिए। द डिग्री ऑफ स्कैटरिंग, द डिग्री ऑफ स्कैटरिंग ओवर आर वेरिएशंस, वेरिएशंस इन द वेरिएबल्स ओवर आर ऑब्जर्वेशंस, ओवर आर ऑब्जर्वेशंस अबाउट सेंट्रल वैल्यू, अबाउट सेंट्रल वैल्यू, अबाउट सेंट्रल वैल्यू, ब्रैकेट में मीन, इन ब्रैकेट मीन, ब्रैकेट क्लोज, इज कॉल्ड डिस्पर्शन, इज कॉल्ड ए डिस्पर्शन, फुल स्टॉप। द फॉलोइंग, डाटा आर नॉट आइडेंटिकल, आर नॉट आइडेंटिकल बट दियर मीन्स आर सेम, आर सेम, आर सेम। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहला डाटा है 5 5 5, जिसका हम मीन निकालेंगे तो समेशन एक्स अपॉन एन होगा, इन चारों को जोड़ देंगे तो 20 अपॉन 4 हो गया, इक्वल टू 5। इसका मतलब यहां पर नो डिस्पर्शन है, वेरिएबल्स में कोई भी स्कैटरिंग नहीं है, कोई भी स्कैटरिंग नहीं है।
दूसरा देख रहे हैं आप लोग, दूसरा आप देख रहे हैं कि एक वेरिएबल है टू, दूसरा है फाइव, तीसरा है सेवन और चौथा है फोर। इसका जब मीन निकाला गया समीकरण एक्सपोनेंशियल इक्वल टू कितना आ गया, इसका भी फाइव आया। लेकिन इस फाइव के वैल्यू इधर उधर है सब बिखरे हुए, कहीं टू है कहीं सेवन है कहीं सिक्स है। तो ये क्या है, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन इन वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स, डिस्पर्सन इन वेरिएबल्स। ये नोट कर लिया आपने। डिस्पर्सन इन वेरिएबल्स, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। बाय द वे 1.5 पढ़ के पूछ दे व्हाट इज डिस्पर्सन, तो आपको नहीं बताया जो गिवन डाटा होता है उसमें जो मीन के जो है इधर उधर जो नंबर्स है डिफर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। अब इसका हमको मापन करना है और आपको मैंने एग्जांपल बता दिया, इस मीन में कोई डिस्पर्सन नहीं है, सारे वैल्यू फाइव है। लेकिन इस डाटा में देख रहे हैं मीन फाइव आ रहा है लेकिन कोई वैल्यू दो है, कोई सेवन है कोई सिक्स है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोग नीचे क्वेश्चन नोट करेंगे। द मीन फॉर ऑल एबव डाटा इज फाइव बट वेरिएबल इन सेकेंड डाटा आर डिफरेंट फुल स्टॉप। दस काम सेकेंड डाटा शोज ए डिस्पर्सन, शोज ए डिस्पर्सन फुल स्टॉप। द डिस्पर्सन इज डाटा is described as the measures of dispersion full stop। Next line say The dispersion variables can be calculated by following methods। नोट कर लेंगे, फर्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है वेरिएंस, तीसरा है मीन डेविएशन, चौथा है क्वार्टाइल डेविएशन। ये चार पॉइंट आप नोट कर लेंगे जिसमें आपके सिलेबस में केवल दो पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, यही दोनों हम आपको पढ़ाएंगे। मेजर सब डिस्पर्सन में दो पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस।
तो आपको मैंने बताया बेस से लेकर आपको चल रहे हैं कि पहली बात तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है क्या, वो क्लियर हो जाए आपका। अब आप लोग फर्स्ट हेडिंग दे देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, हेडिंग दे देंगे फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने हेडिंग दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने हेडिंग दे दिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम शॉर्ट में एसटी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे एसटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो सिग्मा होता है। क्या होता है? सिग्मा होता है। क्या होता है? सिग्मा। तो अब आते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। मैंने आपको बताया मीन में जो डिस्पर्शन आता है उससे डिस्पर्शन को हम कैलकुलेट करने के लिए एसडी का हेल्प लेते हैं। अब आपको मालूम है मीन तीन प्रकार के सीरीज में कैलकुलेट किया जाता था। पहला जिसमें था इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा क्या था कंटिन्यूअस सीरीज। जो सब में अलग अलग फार्मूले थे, अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता था, उसी प्रकार से एसडी भी ये जो है तीन फार्मूले यहां पर होंगे अलग अलग सीरीज में कैलकुलेट करने के लिए। तो आप लोग पहले इसका डेफिनेशन नोट कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने हेडिंग दे दिया, प्लीज राइट डाउन, इट इज बेस्ट मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड डेवलप्ड बाई कार्ल पियर्सन फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज डेफिनेशन नोट करेंगे। द एसडी इज डिफाइंड एज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन measured from mean inverted comma close full stop, it is represented by sigma over r s full stop। अब आपको मैंने बताया एसडी का जो फार्मूला होगा कैलकुलेट करने का वो अलग अलग सीरीज में अलग होगा।
क्योंकि जैसे मीन में तीन प्रकार की सीरीज थी तो तीन प्रकार का फॉर्मूला था, वैसे यहां पर भी क्या होंगे, तीन जो है फॉर्मूले होंगे। तो आप लोग पहले हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ एसडी इन ए इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज कैलकुलेशन ऑफ एसडी इन इंडिविजुअल सीरीज। अब इसके लिए आपको हम स्टेप्स बताएंगे कि आप जैसे मैथमेटिक्स वाले तो होते हैं सीधे सीधे फार्मूला लिखे और काम करना शुरू कर दिए, लेकिन बायोलॉजी है आपका, एक एक स्टेप बताना पड़ेगा आपको। तो आप लोग पहले कौन कौन से स्टेप होते हैं उसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपको प्रॉब्लम देते हैं और कराते हैं हम। तो आप लोग हेडिंग दे दिए राइट डाउन, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट एएम, एएम मीन्स क्या, अरिथमेटिक मीन, एएम बाय गिवन फार्मूला, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपान एम, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेट ईच डेविएशन फ्रॉम मीन, ब्रैकेट में करेंगे डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार मीन्स यहां पर डेविएशन को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स क्या वेरिएबल, एक्स बार क्या मीन, जो निकालने के बाद आएगा अरिथमेटिक मीन। ये अभी जब फॉर्मूला यूज करेंगे तब समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट, स्क्वायर ईच डेविएशन ब्रैकेट में डी स्क्वायर आप मतलब जो डी आपका आएगा निकालने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, ब्रैकेट में क्या, समेशन डी स्क्वायर इसका टोटल करेंगे तो जोड़ेंगे तो समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट वो इज ऑप्टेंड। लास्ट पॉइंट, कैलकुलेट द एसडी बाय गिवन फार्मूला। हेलो, अब आप लोग लास्ट में फार्मूला क्या लगाएंगे, एसडी सिग्मा वाला रेस इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन
वेयर सिग्मा ओवर आर एस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हम आपको जो है प्रॉब्लम इस पर कल कराएंगे।